हाय एवरीवन, सेड यर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ किस तरह से आप लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं इन लैरावेल 7 में यूजिंग जीमेल। तो हम यहाँ पे लॉगिन जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, हम जीमेल का यूज़ करके लॉगिन करेंगे। और ये किस तरह से काम कर रहा है, मैं पहले आपको डेमो दे देता हूँ। देखिए, आप सबसे पहले जैसे ही क्लिक करेंगे लॉगिन इन विथ जीमेल, वो आपसे पूछेगा इफ़ आप मल्टीपल आईडीज़ हैं, तो आप वहाँ से क्लिक कीजिए और आप डायरेक्टली डैशबोर्ड में चले जाएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे इस तरह से प्रोफाइल आ गई। अब यहाँ से आप लॉग इन होना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए लॉग इन में। ठीक, तो ये जो वे है आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपसे लैरावेल 7 आता है, किस तरह से इंस्टॉल करना है। इफ़ आपको आइडिया नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लैरावेल ऐप जो है अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। तो सोर्सलाइट के बारे में पहले ओवरव्यू दूँ। सोर्सलाइट है क्या? ये लैरावेल का पैकेज है। इसके थ्रू आप मल्टीपल सोशल नेटवर्क्स का लॉगिन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। काइंड ऑफ इफ वो आपको गिट के थ्रू चाहिए, ट्विटर चाहिए, फेसबुक चाहिए, गूगल चाहिए, सो इस तरह के आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जो होती हैं उनके थ्रू आप जो है लॉगिन सिस्टम जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये रही लॉगिन सिस्टम की बात, किस तरह से क्रिएट करना। अब हम प्रोसेस बताएंगे क्या सिस्टम होता है क्रिएट। सबसे पहले लैरावेल इंस्टॉल करना है, आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना है, आपको यूआई पैकेज जो है कमांड से डाउनलोड करना है, आपको गूगल ऑथेंटिकेटर जो हमारी वेबसाइट होती है गूगल की, उसके थ्रू आपको जाके आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आपको एपीआई सर्विसेज ऑथ करके होती है, वहाँ से आपको क्रिएट करना है। तो आपको क्लाइंट और सीक्रेट आईडी जो होती है वो मिल जाएगी, फिर उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्योंकि हम जब लैरावेल को इसको सेटअप करते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट यूज़र का जो हमारे पास टेबल होती है और इसमें हमारे पास में एक वो होता है मॉडल होता है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, हमको एक नया ऐड करना है कॉलम गूगल _ आईडी। हम गूगल की आईडी को वहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, जैसे ये करेंगे हमारा मॉडल अपडेट हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, राउट से किस तरह से कंट्रोलर को कॉल करना है, हम डायरेक्टली कंट्रोलर को कॉल करेंगे, व्यू लोड करेंगे और हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सो इस तरह का हम स्ट्रक्चर जो है भी फॉलो करने जा रहे हैं किस तरह से दोस्तों। तो मैं आपको पहले लैरावेल की फंक्शनलिटी दिखा चुका हूँ, हमारा किस तरह से काम कर रहा है सब कुछ। और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अपने कोड को कि किस तरह से हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इसके लिए ब्लॉग लिखा हुआ है, मैं आपको ब्लॉग दिखा दूँ सबसे पहले। ये देखिए, आप इस ब्लॉग के थ्रू जाके स्टेप बाय स्टेप सारे स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे ही हमने यहाँ पे देखा आपने कि हमने यहाँ पे लैरावेल जो है इस तरह से इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, अब ये प्रोसेस है इंस्टॉलेशन की, किस तरह से इंस्टॉल करना है। आपको उस फोल्डर के अंदर जाना है, देन दोस्तों आपको कंपोजर के थ्रू आपको जो ये सोर्सलाइट पैकेज है इसको इंस्टॉल करना है अपने मशीन में, या आपको कमांड लाइन में ये चलाना होगा कमांड। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोवाइडर्स में ये लाइंस ऑफ कोड जो है ये वाली बेसिकली ऐड करना है। तो ये कैसे ऐड करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे सबसे पहले कहाँ मिलेगा ये, कॉन्फिग के अंदर app.php। तो ये देखिए प्रोवाइडर्स, तो प्रोवाइडर्स में नीचे आके ये लाइन जो है आप इसे ऐड कर दीजिए। इसके बाद एलियाज है हमारे पास में, इसके नीचे भी यहाँ पे जाके इसे ऐड कर दीजिए। दोस्तों जब इसे आप ऐड करेंगे तो करना क्या है उसके बाद आपको कि स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिंक दिया, इसके थ्रू आपको ऐप को जो है क्रिएट करना होगा। जब आप ऐप क्रिएट करेंगे तो ऑथेंटिकेशन आईडी जो क्लाइंट आईडी सीक्रेट आईडी आपको मिलेगी, आपको वो कॉपी करना है और उसके बाद कॉन्फिग के अंदर services.php जो फाइल है उसके अंदर आपको इस तरह का कोड है, आप इसे ऐड करेंगे और कहाँ पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, कॉल बैक कहाँ पे होना चाहता है, आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए URL। तो इस तरह के तरीके से आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट ऑथ, ये क्या है होता है, हमें UI पैकेज है, हम UI पैकेज वो डिस्टर्ब का जो UI पैकेज है बेसिकली हम पूरा यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आपको ये कमांड जो है रन करनी है, इसके थ्रू आप जो UI पैकेज इंस्टॉल कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमें रिसोर्स भी चाहिए। कि ये वाली नीचे वाली कमांड से आपके पास सारी रिसोर्स की जो लॉगिन रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग जो होगा, जो बूट स्टेप का जो ऑथेंटिकेशन पैकेज का जो पैकेज होता है वो सारा कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद में ये दोनों कमांड आपको रन करना है, npm install और npm run dev। जब इसे आप रन करेंगे तो पैकेज आपका जो है नोड का पैकेज वो सारा इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में आपको डेटाबेस में एक नया कॉलम ऐड करना है, तो ये इस कमांड के थ्रू आपका जो है माइग्रेशन क्रिएट होगा। और माइग्रेशन में दोस्तों होना क्या है, एक हमें कॉलम ऐड करनी है। ये किस तरह से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेटाबेस है, यहाँ पे देखिए ऐड गूगल कॉलम आईडी, ये जो है इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक जो है
ऐड कर रहे हैं कॉलम किसमें, यूजर वाली टेबल पे। तो ये इस यूजर टेबल पे हम एक बेसिकली अल्टर कर रहे हैं, ठीक है। ये गूगल अंडर स्कोर आई डी, मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। ये हमारा डेटाबेस है, इसके अंदर देखिए ये आई डी जनरेट होके आ गई। जब ये क्रिएट हो जाए फिर आपको क्या करना होगा, नीचे स्क्रॉल कीजिए, मैंने आपको ये बता दिया। अब यहाँ पे हमारा मॉडल होता है, मॉडल में आपको यहाँ पे लास्ट में जाके गूगल अंडर स्कोर आई डी करनी है, फिलेबल बनाना है कि यूज़र जब आए वो फिल हो जाए। अब यहाँ पे हमारा राउट है, आपको पता होगा किस तरह से राउट काम करता है। यहाँ पे हमने ऑथ राउट यूज़ किया है बिकॉज ऑथेंटिकेशन के लिए, इफ़ यूज़र लॉग्ड इन है तो ही कुछ कंट्रोलर में हमने डिफाइन कर रखा है कंस्ट्रक्ट में कि वहाँ पे वो लॉग्ड इन है तभी वो अंदर आ पाए, अदरवाइज वो रिडायरेक्ट हो जाए। तो ये सारी सिस्टम पहले से हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जब हम करेंगे, हम ये हमारा ये कंट्रोलर है, इस फंक्शन है, इस तरह से हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं अपने कंट्रोलर और फंक्शन में जाता हूँ, हमारा कंट्रोलर और फंक्शन है, लेट मी शो यू। ये हमारा कंट्रोलर है, ये देखिए लॉगिन सिस्टम, इसके थ्रू हमारा ऑथ जो है हमने पेज को लोड किया है, ठीक है, गेस्ट करके इस तरह से लोड किया है। दोस्तों मेन हमारा जो कंट्रोलर है ये होम कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर के थ्रू हम केवल पेज को लोड कर रहे हैं। ये डैशबोर्ड में तभी जाएगा जब ऑथेंटिकेटेड होगा, अदरवाइज वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये है। अब यहाँ पे एक हमने बनाया जो गूगल कंट्रोलर, इस कंट्रोलर पे हम जो है यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए हमारा जो पैकेज है, हमने ऑथ यूज़ किया, एक्सेप्शन यूज़ किया, ये हमारा मॉडल है, हमने मॉडल को ऐड किया। अब हमारा गूगल कंट्रोलर जो है बेसिकली लॉगिन सिस्टम के लिए हमने बनाया है, हमारे पास यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि रिडायरेक्ट ऑथेंटिकेट सारी चीज़ें हैं, तो वो ड्राइवर बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है। हम सो स्लाइड जो हमने यूज़ किया ऊपर हमने यूज़ किया, फिर ड्राइवर इसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर के थ्रू ड्राइवर हमारा गूगल है और रिडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिडायरेक्ट कैसे हो रहा है, इसके पास रिक्वेस्ट आएगी, अब ये चेक कर रहा है ट्राई और कैच एक्सेप्शन के थ्रू, इफ सारी चीज़ें परफेक्ट है तो क्या करेगा ये, यहाँ पे देखिए हमने सो स्लाइड ड्राइवर के थ्रू यूज़ किया, यूज़र को गेट किया, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, उस पर पास कर दे रहे हैं, ठीक है। इफ एवरीथिंग इज़ फाइन है तो हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे, फाइंड यूज़र मिल गया उसको, तो हम क्या कर रहे हैं इस वाले डैशबोर्ड में, अपने डैशबोर्ड के अंदर होम जो हमारा डैशबोर्ड है बेसिकली, इसके अंदर हम रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। इफ नहीं मिलता तो उसका अकाउंट क्रिएट होगा, देन वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की फंक्शनलिटी दोस्तों हम यहाँ पे कर रहे हैं। इफ़ आपको कोई भी दिक्कत हो रही है इसको करने पे, मैं आपको कोड गिटहब का शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, मेरे ब्लॉग से पढ़ सकते हैं। और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखा सकता हूँ, बट वो काफ़ी लेंदी होता है, आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह की आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो दोस्तों जैसा भी आपका फीडबैक है, आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।